रोहन शर्मा, मैं पिछले एक डेढ़ घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे एक फौजी जवान जो कि कल रात को जो शहीद हो गए थे पुंछ बॉर्डर पे, तो हम हॉस्पिटल में आए तो हमने देखा कि इधर हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर यहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं आया है। तो बड़ी शर्म की बात होती है कि अगर कोई मिलिटेंट मरा होता तो उसके लिए तो पहले आ जाते हैं। एक हमारा जवान शहीद हुआ है, कोई नहीं आया है, बड़े अफसोस की बात है। मैं डीसी साहब से, मैं हमारे गवर्नर से, आजकल गवर्नर की हुकूमत है, मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल की हालत सुधारी जाए और ये जो खराबी हो रही है हॉस्पिटल में, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉस्पिटल पुंछ में खड़े हुए हैं, जो कल पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया गया है। एक जवान हमारा शहीद हो गया, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल में लाया, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, एक घंटे से जो जवान की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ हॉस्पिटल से कोई भी नहीं आया। पुलिस और आर्मी यहाँ पे बिल्कुल तैयार बतैयार है, बिल्कुल खड़ी है, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, स्टाफ की तरफ से कोई नहीं है। क्या यही कुछ रह गया है, यही कुछ देखना रह गया है कि हमारा जवान जो शहीद हो गया है तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई उसका कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जब तक ये पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक जवान की बॉडी को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर डिप्टी कमिश्नर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि एक बार फिर जो यहाँ पे इंतज़ामिया है, सुपरिटेंडेंट है, उनको फटकार लगाई जाए कि दूसरी बार कोई ऐसा हादसा हो तो हमारी यहाँ पर टीमें तैयार होनी चाहिए।